लिबरल टीवी पंजाबी देख रहे हो तुसीं ते इस वेले दी वड्डी अपडेट कोरोना पाबंदियां दे विचकार हुण आईलैट्स सेंटर खोलण दी आग्या दे दित्ती है पंजाब सरकार ने। सो पंजाब दे विच कोरोना दे मामलों दे विच काफ़ी हद तक गिरावट आई है, पर अजे भी सावधानियां पक्षों पंजाब सरकार ने कोरोना करके सूबे दे विच लगाईआं पाबंदियां नूं 30 जून तक वधा दिता है। हालांकि इस दौरान सरकार ने वड्डियां छोटां दित्तियां ने। सो विद्यार्थियों के भविख को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे दे विच आईलैट्स सेंटर खोलण नूं मंजूरी दे दी है। जी हाँ, वड्डी खबर है कि आईलैट्स सेंटर खोलण की मंजूरी दी है पंजाब सरकार ने। हालांकि अध्यापक स्टाफ के विद्यार्थियों को कोरोना की एक डोज लैनी लाजमी होगी, इस तो बिना वह एंट्री नहीं ले सकते। सो नाइट करफ्यू की भी असी गल करिए रात 8 बजे तो सवेरे 5 बजे तक पहलों के वाग ही जारी रहेगा। उत्थे रेस्टोरेंट कैफे कॉफी शॉप्स जो ने फास्ट फूड्स 50% समर्था के नाल खुलणगे। बार पब ते अहाते अजे भी बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज ते होर विद्यक संस्थावां भी बंद रहेंगियां। विआह शादी भोग संस्कार ते 50 लोग शामिल हो सकणगे। सो वड्डी खबर है कि पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों के भविख को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे दे विच आईलैट्स सेंटर खोलण की मंजूरी दे दी है, पर अध्यापक स्टाफ तो विद्यार्थियों को कोरोना की एक डोज लैनी लाजमी होगी। इन्हां नियमों की उन्होंने पालना जी करनी होगी। जेकर इन्हां की उलंघना की जाती है तो सरकार के वलों सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। पर पंजाब दे विच कोरोना के मामलों के विच जो काफ़ी हद तक गिरावट आ गई है, सावधानियां पक्षों पंजाब सरकार ने बेशक सूबे दे विच ढिल दी है, पर पाबंदियां जिहड़ियां ने 30 जून तक वधा दित्तियां ने। हालांकि इस दे दौरान सरकार ने वड्डियां छोटां जरूर दित्तियां ने। सो इसे दे चलदियां असीं गल करिए तां नॉन एसी बसां दे विच समर्था मुताबक सवारियां बिठाइया जा सकणगियां, जबकि एसी बसां वध तो वध 50% सवारियां दे नाल चलणगियां। सो इस दे नाल ही एतवार सने गैर जरूरी दुकानां खोलण दा फैसला जिला अधिकारियों ते छड्डिया गया। सो दसणयोग है कि बीते दिन भी सूबे दे विच पिछले 24 घंटिया के दौरान कोरोना के 382 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 20 मरीजों ने दम तोड़िया। उत्थे राहत वाली गल यह है कि सूबे दे विच 715 लोगों को ठीक होने हस्पतालों छुट्टी दे घर भेजा गया है। सो जिथे एक पासे कोरोना के केस घट रहे हैं उत्थे ही पंजाब सरकार के वलों ढिल दी जा रही है, हर एक सूबे दे विच ढिल दी जा रही है सरकारां दे वलों। पर पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों के भविख को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे दे विच आईलैट्स सेंटर खोलण की इजाजत दे दी है। सो हालांकि अध्यापक स्टाफ के विद्यार्थियों को कोरोना की एक डोज लैनी लाजमी होगी, पर शर्तों के आधार पर आईलैट्स सेंटर खोलण की आग्या पंजाब सरकार के वलों आईलैट्स कोचिंग सेंटर दी गई है। सो इस दे नाल ही दस दईए कि पंजाब भर के रोजाना रात 8 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक नाइट करफ्यू लग्या रहेगा। शनिचरवार रात 8 बजे तो लैके सोमवार सवेरे 5 बजे तक एतवार का करफ्यू रहेगा। सो ये वड्डी अपडेट तुहानू दित्ती है कि कोरोना वायरस के चलदियां सरकारां दे वलों ढिल दी जा रही है, तो इसे दे चलदियां पंजाब सरकार ने शर्तां दे आधार ते आईलैट्स सेंटर खोलण की मंजूरी दे दित्ती है। तो यह इंस्टीट्यूट अध्यापकों स्टाफ और विद्यार्थियों को घट्टो घट कोविड का एक टीका लगे होने की शर्त ते खुल सकणगे इंस्टीट्यूट। सो कोरोना का टीका लगाए बिना कोई भी उक्त थावां दे विच दाखल नहीं हो सकता। सो वड्डी अपडेट तुहानू दित्ती है। इसे तरह दीआं होर खबरां दे लई जुड़े रहो लिबरल टीवी पंजाबी दे नाल, लोकां दी आवाज़ लोकां लई। लिबरल टीवी पंजाबी।